सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस ने रैपिडो बाइक सेवा के राइडर को बाइक की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले एक शख्स को लूटने के आरोप में उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए रैपिडो बाइक सेवा से मोटरसाइकिल बुक की। मोटरसाइकिल चालक ने युवक को पहले दिल्ली की सड़कों पर घुमाया और फिर सोनिया विहार ले जाकर अपने दो साथियों के साथ मिलकर चाकू के बल पर लूट लिया। पुलिस ने लूट की गुत्थी सुलझाते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय शुभम मिश्रा, 22 वर्षीय अमित चौहान उर्फ गांधी और अर्जुन उर्फ गोरा के रूप में हुई है। सभी आरोपी सोनिया विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। जिला पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया कि दिनांक 16 दिसंबर 2021 को थाना सोनिया विहार में डकैती की एक PCR कॉल प्राप्त हुई। यूपी के उन्नाव से वीरेंद्र पुत्र राजकुमार ने कॉल करके बताया कि उसके भाई आशीष के साथ दिनांक 15 दिसंबर 2021 को दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में लूट की वारदात हुई है। पीड़ित आशीष ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो नोएडा में एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसने ग्रेटर नोएडा के लिए रैपिडो ऐप बाइक सेवा पर ऑनलाइन बुकिंग की। इसके बाद एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक आई और वे उस पर सवार हो गया। आशीष के मुताबिक उसे रास्ते की जानकारी नहीं थी। बाइक चला रहा शख्स उसे यमुना नदी के किनारे ले गया और लगभग 45 मिनट की सवारी के बाद उसने मोटरसाइकिल को खेतों की ओर मोड़ दिया। इस बीच वहां तीन लोग एक ऑटो रिक्शा लेकर आ गए। उन्होंने चाकुओं की नोक पर उसकी जेब से 400 रुपए नकद और फोन निकाल लिया। बदमाशों ने फोन का लॉक खुलवाया, जिसमें गूगल पे दिखा तो पासवर्ड पूछकर पैसे ट्रांसफर कर लिए। बदमाशों ने पीड़ित का जैकेट, स्वेटर, बेल्ट, फोन का चार्जर और हेडफोन ले लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित आशीष पैदल ही जैसे तैसे मेन रोड की तरफ आया। SBI ATM पर तैनात गार्ड को आपबीती बताई, जिनका फोन लेकर उन्नाव में रहने वाले अपने बड़े भाई को भी सारी बात बता दी। SBI के अपने डेबिट कार्ड से 1000 रुपए निकाले। इसके बाद उन्नाव के लिए रवाना हो गया। पुलिस ने पीड़ित के भाई को उन्नाव में कॉल किया तो उसने आशीष से बात करवाई। दिनांक 16 दिसंबर 2021 को थाना सोनिया विहार में FIR संख्या 591/21 अंडर सेक्शन 392/397/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके बाइक चला रहे शख्स का पता लगाने के लिए रैपिडो ऐप बाइक सेवा से संपर्क किया। रैपिडो ऐप बाइक सर्विस से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगा लिया। जांच के दौरान मोटरसाइकिल के मालिक ने खुलासा किया कि बाइक का इस्तेमाल उसका छोटा भाई शुभम कर रहा है। दिनांक 22 दिसंबर 2021 पुलिस ने 22 वर्षीय शुभम को सोनिया विहार से तलाशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान शुभम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यात्री को लूटा। उसके कहने पर छापेमारी की गई और अमित चौहान और अर्जुन को सोनिया विहार से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से पीड़ित का मोबाइल फोन, चार्जर, ईयरफोन और बेल्ट बरामद कर लिया गया। उनके एक और फरार साथी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और अपनी लत को पूरा करने के लिए वे छोटे मोटे अपराध करते थे। आरोपियों में शुभम मिश्रा रैपिडो बाइक सर्विस में रजिस्टर्ड राइडर है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, जबकि अमित चौहान दिल्ली के सीलमपुर में एक शराब की दुकान पर सिक्योरिटी गार्ड है। आरोपी अर्जुन बेरोजगार है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।